बस 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 इधर इधर नवीन सर नीचे कर। वेट 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 थैंक यू सो मच। इसका यस ऑफ कोर्स इसका क्रेडिट जाता है मेरी स्टाइलिस्ट को हेमू को हेमलता। एंड ये जो कॉस्ट्यूम है ये राहुल कपूर लुधियाना से हैं, जो 6 मंथ से ये चाहते थे कि मैं ये ड्रेस स्टार परिवार में पहनूं, बट मैं रिजेक्ट कर रही थी बार बार बिकॉज इट इज़ मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कभी इस तरह का अटायर आप सबने कभी मुझे हैवी अटायर्स में स्टार परिवार में नहीं देखा होगा इस तरह के। तो एक बहुत ग्रैंड ड्रेस है बट मेरे हस्बैंड रोहित को भी ये बहुत पसंद आई, तो पहले मैंने उनको सेल्फी भेजी इसमें ड्रेस में, तो उनको भी अच्छी लगी। एंड दिस ज्वेलरी इज़ बाय रूपा वोरा। तो आई एम थैंकफुल टू द डिज़ाइनर, टू माई स्टाइलिस्ट हेमू और अपने डिज़ाइनर के लिए। हाँ एक्चुअली संध्या की वजह से ही एक पॉजिटिविटी मुझे थी बिकॉज ये जो इसके पीछे ये जो सुपर वूमन वाली फ्रिज लगी हुई है ना, तो इससे मुझे लगा कि ये संध्या के अटायर के साथ भी थोड़ा जाता है। संध्या इज अ सुपर वूमन मेरे लिए, तो इनफैक्ट बच्चों के लिए भी जो किड्स मेरे फैन हैं, तो मुझे लगा वाई नॉट उनको आज हैप्पी करूँ और ये फ्रिज जो है इससे सुपर वूमन वाला थोड़ा सा फील दे दूँ। बहुत 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 अच्छा लगता है। कई बार जब हम आउटडोर में शूट करते हैं तो काफ़ी पुलिस ऑफिसर जो हैं वो मिलने आते हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। मेरा दिस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर और मेरे दिल के करीब आता जाता है कि इतना इंस्पायरिंग है। तो ऑब्वियसली ये ये और किसी कैरेक्टर के साथ में पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैं एक कॉप का रोल कर रही हूँ और वो इज्जत जो मुझे मिलती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत सल्यूट करती हूँ अपनी इंडियन पुलिस को जो दिन रात जाग कर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। जी डेफिनेटली मिस तो करती हूँ जो है, क्योंकि शादी के बाद कभी भी हम लोग ऐसे अलग नहीं हुए हैं और अभी 3 मंथ्स होने को आ जाएंगे। बट रोहित बहुत 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 अच्छे हैं जो एवरी वीक, और पिछले कुछ वक्त से मैं काफ़ी बीमार भी हुई थी जो है कुछ लोग जानते हैं बात, तो मैंने रोहित को बहुत परेशान किया है जो है, और मैं कोशिश करती हूँ कि वो नहीं आए बार बार मेरे लिए, बट मैं बीमार ऐसे हो जाती हूँ कि वो बार बार आ रहे हैं। मुझे लगता है कि रोहित जैसे ही जब शूटिंग के लिए गए उसके बाद में बीमार होना शुरू हो गई हूँ, तो मेरी आई डोंट नो किस्मत से वो वापस आते रहते हैं। हफ्ते में हम लोग हर बार मिलते रहते हैं। आई एम थैंकफुल टू स्टार प्लस बिकॉज वो स्टार का ही शो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं मैनेज हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चैनल जो है रोहित को वहाँ से भी छुट्टी दे देते हैं और मुझे भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती है हफ्ते में। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोबारा, पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि रोहित के साथ दोबारा काम करने को मौका मिले, बट हाँ मैं ज़रूर जो है ये मैंने जो रोहित के साथ में सीखा है ना आज मैं वही डिलीवर कर रही हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, इनफैक्ट जो मैं आज जब भी मैं कोई बड़ा सीन करती हूँ तो उनके लिए उनका फीडबैक ज़रूर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ, बट आजकल बिकॉज वो इतने दूर शूट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मगर हाँ मुझे कभी भी मौका मिलेगा मैं चूकूंगी नहीं, ये है कि अस्त्र शस्त्र और तैयार कर लूँगी क्योंकि उनकी डांट बहुत खाती हूँ मैं, और बीच में हमने एक प्ले भी किया था 1 साल पहले तो बहुत डांट खाई थी मैंने, बट मैंने बहुत सीखा। मुझे नई सोच का अवार्ड, जो पहला अवार्ड अनाउंस हुआ था वो अवार्ड मिल चुका है, एंड मैं उसके लिए थैंक्स कहती हूँ अपने फैंस को, जूरी को जिन्होंने मेरे लिए वोट किया और जूरी ने मुझे सेलेक्ट किया, आगे बढ़ाया, स्टार प्लस को जिन्होंने मुझे इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड दिया आज नई सोच का, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। दी और बाती हम के लिए, मेरे जितने टेक्नीशियंस हैं, को एक्टर्स हैं, उनके लिए भी बहुत प्राउड की बात है, मेरी फैमिली के लिए भी। तो आई एम रियली थैंकफुल टू स्टार प्लस कि उन्होंने मुझे अवार्ड दिया।
थैंक यू।